मेरा और अर्चना का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है सोशल नेटवर्किंग साइट से, फेसबुक से। मुझे बताया था किसी ने कि अर्चना नाम की लड़की है मतियाना से, तो मेरे घर वाले भी देख रहे थे लड़की, तो मैंने सोचा क्यों ना बात की जाए अर्चना से। तो 26 जनवरी 2019 को पहली बार हमने बात की फेसबुक में। फेसबुक पे बात करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें मिलना चाहिए, एक बार बात कर लेनी चाहिए। हम मिले मशोबरा में, हम पहली बार मिले, तो जब मैं इनसे मिली मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जितने मतलब बाहर से दिखते हैं एटीट्यूटेबल, अंदर से उतने ज़्यादा सॉफ्ट है, नरम स्वभाव के हैं, और बहुत अच्छा नेचर लगा मुझे इनका। शाय नेचर है, बोलते बहुत कम है। फिर जब हम मशोबरा में मिले उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि जो वे ऑफ टॉकिंग है अर्चना का और बाकी ओवरऑल जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे काफ़ी अच्छा स्पेशल फील हुआ। ऐसी हमारी लव स्टोरी आगे चलती गई। फिर हम बहुत कम मिले, लेकिन जितनी भी हमारी मुलाकात हुई बहुत अच्छी रही। अब हमने सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि अब हमें घर पे बात कर लेनी चाहिए। फिर मैंने और इन्होंने अपने घर पे बात करी और फिर फाइनली हमारा रिश्ता हुआ। अब आज हमारी वेडिंग है तो बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली हम एक हो गए हैं। तुझसे शुरू जन्नते मेरी, तुझ पे खत्म आशिकी मेरी, तू बन जा जिंदगी मेरी, तनु दिल दा वास्ता। Oh, yeah.
समाजम नाच आजे धमाधम ढोल बाजे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे पप पप पीपनी पे आजा नया स्टेप सीखे नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे अपनी फेमस है रात वाली यारिया जाले सारा जहां बेथलपुर मास ले ओ छोरिया झूमे नगरिया जब जब ये घूमे तो जैसा कि हर रिलेशनशिप में सबका ड्रीम होता है कि मैरिज हो जाए तो ओके बहुत ही बड़ी बात होती है। तो 13 अक्टूबर को हमारा मेरा और अश्विनी की मैरिज डेट डिसाइड हुई। तो मैरिज के लिए पहले काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि मैरिज कैसे होगी, किस तरह से अरेंजमेंट्स होंगी। पर जब जैसे 13 अक्टूबर मेरी मैरिज की डेट डिसाइड थी तो पहले डेट से पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अरेंजमेंट कैसे करना है। फिर जब डेट सामने आई, जब 13 अक्टूबर आया तो उस टाइम नर्वसनेस बहुत ज़्यादा फील होने लगी। फिर ऐसा लगने लगा कि कैसे सब कुछ होगा, जब आएगी अर्चना तो इसे किस तरह से बात करनी है, बहुत ही नर्वसनेस फील हो रही है। हाँ, जब हमारी वेडिंग डिसाइड हुई तो काफ़ी डर लग रहा था, मैं काफ़ी नर्वस हो गई थी कि पता नहीं क्या होगा कैसे। मैं उनके घर पे बहुत फ़र्क है मेरी फैमिली में, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में और आपकी फैमिली में। तो फिर जैसे ही डिसाइड हुआ, डर लगता है, हर लड़की को लगता है, तो मुझे भी लगा। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिल रहे हैं, संजय के पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि मैं किसी को बता नहीं, मतलब टचवुड किसी की नज़र ना लगे, इतने अच्छे पेरेंट्स हैं और इतना अच्छा बॉन्ड हमारा है। फिर फाइनली मैं जब यहाँ आई और अच्छा लग रहा था, सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, संजय की फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया और अच्छा लगा। जैसे ही आए, देखा एक दूसरे को, तो फिर थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा क्या नर्वसनेस खत्म हो गई। रिलेशनशिप की बात करें, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, अच्छा है। कुछ भी बोलूं या कुछ भी, मतलब हमारी आपस में बात हो तो संजय मान जाते हैं,
ऐसे नहीं है अब, मतलब अब धीरे धीरे मुझे पता लग रहा है कि बहुत, मैंने जो भी डिसीज़न लिया है बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है संजय को अपना हबी बना के। एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदी नहीं ओ छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू ना छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। छुपा के तुझे दिल नहीं ओ खोलना, मर के भी माही तुसे न मुड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। छुटे आना छुटे मोसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना, बोलना माही बोलना, बोलना बोलना। अखियां विच लेके माही तेरा ही नाम, मैं ते तुर जाना तेरे नाल, तेरे नाल वे तारे मेहमान, चन्ना वे तेरी खाते सारा जहां, छड़ के मैं जाना तेरे। तू जताए कैसे पास मेरे आए, कैसा प्यार तू जताए कैसे पास मेरे आए, मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गई। हाँ
सारी जागी तेरी लाग कैसी माहिया तूने एक ही मन मानी एक भी न मेरी मानी ऐसे क्यों सताया माहिया कैसे तुझको ये बताए के हम जी नहीं पाए कैसे तुझको ये बताए हाँ हम जी नहीं पाए जान लेती थी तेरी मेरी दूरियां मैं तेरी हो गया मैं तेरी हो गया मैं तेरी हो गया मैं तेरी हो गया इश्क वरगे इश्क ही पल्ले इश्क ही दिसदा जेड़े इश्क च चले पीर भी तू तैयार भी तू दीन भी तू ईमान भी तू विपरीत भी तू मीत भी तू मेंढा यार भी तू करार स्पेशल थैंक्स करती हूँ मैं इनकी पेरेंट्स को और दादा दादी जी और दिग्विजय आपका बहुत सपोर्ट रहा साथ में अनिल भैया आपको भी बहुत बहुत थैंक यू आपने हमारा बहुत सपोर्ट किया और मैं संजय जी की फैमिली को भी बहुत थैंक्स करना चाहूँगी आप लोगों का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा और मॉम डैड को बहुत मिस करूँगी अपनी गैंग को भी बहुत मिस करूँगी और मेरी सभी सचू संजू जीनू गोलू अदिति और सभी को शिखा दी सभी को थैंक यू सो मच आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और पेरेंट्स को बहुत याद करूँगी आई विश जैसे मैंने अपनी पेरेंट्स की सेवा कर रखी है अपने घर पे मैं आपके पेरेंट्स की भी यहाँ पे उसी तरह से सेवा कर सकूँ कोई भूल चुको तो माफ़ कीजिएगा मैरिज में जो सबसे ज़्यादा मिस मैंने किया है वो क्या है रिचा दीदी को मेरे सबसे बड़े दीदी है वो हमने पूरी फैमिली ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया किसी रीज़न की वजह से वो नहीं आ पाए तो उनको बहुत ज़्यादा मिस किया और स्पेशल थैंक्स है यहाँ पे पेरेंट्स को और अर्चना के पेरेंट्स को और मेरे जितने भी पूरे फैमिली मेम्बर्स है ताऊ चाचे वगैरह जितने भी है मेरे उनको स्पेशल थैंक्स उनकी वजह से ये जो मेरी मैरिज है वो पॉसिबल हो पाई जितना अरेंजमेंट हुआ उनकी वजह से हुआ तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल थैंक्स और सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स करना चाहूँगा अजय भैया और दिग्विजय का उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की और बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेशन और पूरी प्रेपरेशन की और अभय भैया का अभय जो मेरे
मेरे सबसे बड़े ताऊजी का लड़का है, उनका भी काफ़ी थैंक्स करना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी हेल्प की पूरी शादी कंक्लूड करने में, तो सबको स्पेशल स्पेशल। और एक इंसान का जो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पे, वो है अनिल, जिनकी वजह से कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो स्टार्ट भी हुआ था और उनकी वजह से ही सारी बातचीत हुई थी। और जो मेरे चाची है, मीरा चाची, वो है बेसिकली अर्चना के कज़न, उनका भी बहुत थैंक्स करना चाहूँगा मैं। Cousin sisters of Sanjay Bhaiya, and we both congratulate our brother and his wife, and we welcome our new family member to our family. मैं संजय की ताई हूँ और संजय को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम ये हमारे साथ स्टार्टिंग जब मैं मैरिज हुई तो संजय हमारे साथ ही रहता था, लेकिन इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है हमारे बच्चों को पालने में और अपने बच्चों को पालने में, लेकिन बस संजय और अर्चना को मैं बस कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि अर्चना हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आ रहा है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स का हम सब का काफ़ी मतलब ध्यान रखे और उनकी रिस्पेक्ट करें, और न्यू मेंबर्स को घर में आने के लिए बहुत 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 वेलकम करते हैं हम, और आगे की जो इनकी मैरिड लाइफ है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो, और हमारा यही आशीर्वाद उनके साथ है, और मैं यही उम्मीद करूँगी अपने बच्चों से, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, बट ये नए मेंबर को भी ये काफ़ी कोऑपरेट करेंगे, संजू भी बहुत अच्छा है, और इसके पेरेंट्स का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस घर के लिए काफ़ी सहयोग दिया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, संजू के साथ जो बेस्ट मेमोरी है, इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब माई चाइल्डहुड, इट हैज़ टू बी संजू एंड अजय। सो थ्री ऑफ अस वर टुगेदर लाइक एनीथिंग, और जितना भी मेरा बचपन है फॉन्डेस्ट मेमोरी वुड बी संजय एंड अजय। सो आई विश संजू एंड आशना वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। Good luck. First of all, my congratulations to newly wedded couple. Your wedding day will come and ultimately will go, but your love may forever grow. Me and Sanju have a lot of memories to cherish and share. And one of his favorite, and mine also, that he used to collect a lot of comic books. And one of them was Chacha Chaudhary, that I used to read for him, and I used to enjoy a lot. Hello everyone, first of all I would like to congratulate my brother and my Bhabiji for their newly married life, and after so many hurdles and problems finally the marriage happened, and maybe I am one of the happiest and most luckiest guy that this marriage happened, and I feel lucky that Bhabiji you are now the part of the family, and especially for Bhai, you are blessed with the most beautiful lady on this planet, and Bhabiji you are also blessed that he is one of the smartest guy in our family, but not the smartest, he is smart, I am the smartest, and
especially for Babi ji, if you face any problem or if you feel sad or low sometimes, I'm always there to help you, and you can share everything with me. And after marriage, we will do many fun loving things as you are the part of the family now. May God bless you both, and may you succeed both in your life. Good luck for your future. Thank you. Hi Sanjay, main aur Sahil wishes you a very happy married life. So hum college friends hain Sanju ke, 9 saal se hum friends rahe hain, aur hum ye ummeed bhi karte hain ki shaadi ke baad bhi friends rahenge. ऐसा नहीं कि हमारी भाभी के आने के बाद हमें भूल जाए, और हमारा घूमना फिरना वैसा ही चलता रहे जैसे कॉलेज टाइम से चलता आता है, और तेरा वही चले जैसे तू पहले रहता था। ये हमारा एक ऐसा फ्रेंड है जिसको सुबह उठने के बाद ये सोचना पड़ता था कि कॉलेज जाया जाए ना जाया जाए, जो बंक के लिए हमेशा तैयार रहता था और इसके रूम जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। सो वी विश यू यू एंड अर्चना हैप्पी मैरिड लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिग्विजय फ्रेंड। I would like to congratulate Sanjay Bhaiya and Bhabhi a very very happy married life. Hello friend of Digvijay, wishing Mr. and Mrs. Sanjay happy married life. Hello Sanju, आज मेरे लिए और पूरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे परिवार में संजू जो मेरा छोटा भाई है उसकी शादी होने जा रही है। मेरी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से wish you both happy to the happy married life. मुझे आज भी याद है हमारी बचपन की नटखट्टी और चुलबुली बातें, चाहे शरारत की हो हमें शरारत की बात हो, जैसे मुझे आज भी याद आ रहा है कि एक बार जब छोटे होते थे हम तो ऐसे ही खेलते थे सीढ़ियों से गिराने के, तो संजू कहता था मुझे भैया धक्का दो जैसे फिल्म में देते हैं, तो मैंने एक बार उसको ऐसे ही धक्का दे दिया था तो बेचारा गिर गया था नीचे, तो शुक्र है इसका सिर नहीं बजा और होपफुली भगवान की वजह से ये कहीं इसको चोट वगैरह नहीं लगी। क्रिकेट हम बचपन में बहुत खेलते थे सर्दियों में जब छुट्टियाँ होती थी, बल्कि मैं तो यहीं रहता था ज़्यादातर, ऊपर आना सर्दियों में क्रिकेट खेलना, तो काफ़ी के क्रिकेट खेलते थे हम। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि विश यू बोथ अ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ देम। भगवान उनको खूब उनकी तरक्की करे, सदबुद्धि दे। थैंक यू वेरी मच। Good then.
लगदा नहीं तेरे बिन जी लगदा नहीं तो की मंगया तेरे रंग विच मैं रंगया मेरे दिल दी धड़कन है मैं तेरे विच रब बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीट है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नच देने सारे लल मिल के आज हिले डुल के आलू बड़े करारे धर्म नाल आलू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे धर्म नाल स्वीटू आजा मारे आलू बड़े करारे धर्म नाल आलू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे धर्म नाल स्वीटू आजा मारे मुंडे पेलेंटी मेरे लई हो गए सेंटी तेरे लिए इस बात की गारंटी पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है सहर बांध के कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है नच देने सारे दल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे नच देने सारे दल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे इन फ्यूचर हम अच्छे से रहे जो हमारा ये प्यार है इसी तरह बना रहे बाकी जो प्यार आपसे अभी तक मिला है आगे भी इससे ज़्यादा मिलता रहे अच्छे से हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल और ज़्यादा बेटर हो जिस तरह से आपका प्यार अभी तक मेरे साथ है जितना अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी तक है और जितना सपोर्ट आप मुझे अभी करते हो वैसे ही आप इन फ्यूचर मुझे और सपोर्ट करें और आपका ये प्यार हमेशा मेरे लिए बना रहे एक रिस्पेक्ट हमारे रिलेशनशिप में हो और एक दायरा हो हर एक चीज़ का तो फिर मैं चाहती हूँ आप इस तरह से ही मुझसे प्यार करते रहे और मेरा सपोर्ट करते रहे गलतियाँ मेरी माफ़ करते तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना के बाद सब कपल्स की यही होप होती है इन फ्यूचर के लिए कि उनकी लाइफ अच्छे से स्पेंड हो विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के साथ सारा जो लाइफ है वो स्पेंड हो और जहाँ पे मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत हो वहाँ मुझे तुम्हारी सपोर्ट मिले और बाकी अगर कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरह से उसे अंडरस्टैंडिंग में चेंज करें मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग में चेंज करें
तो आई होप कि तुम्हारे साथ लाइफ बेटर ही रहेगी। क्या था वी आर कजिन सिस्टर्स ऑफ संजय भैया पहले मैं बोलूंगी ना हम तुझे बोल पहले मैं बोलूंगी ना हम तुझे बोल We have to call you. We are cousin sisters of Sanjay Bhaiya, and we both congratulate our brother and his wife. Happy marriage! Zindagi hai ek latifa, dil walon ka dil khalifa. Mare mauke pe chauka ye tafri kare. हेलो आई एम रितिका कजन सिस्टर अच्छी अच्छा अब करती हूँ शुरू हेलो आई एम रितिका मैं संजय की कज़न हूँ हेलो आई एम रितिका आई एम कज़न अच्छा मैं हेलो आई एम संजय कज़न माय नेम इज़ रितिका अच्छा ठीक है मैं ऐसे ही बोलती हूँ अपने से ठीक है ठीक है ठीक है मुझे ऐसे ही बोलना ना हेलो आई एम रितिका मैं संजय की कज़न हूँ जश्नबाजी की शाम है जश्नबाजी की शाम हाय संजू आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है मैं अपनी तरफ से तुम्हें और अर्चना भाभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ बचपन में आज के दिन बहुत सारी यादें ताज़ा ये पढ़ाकू बच्चा था ये सारी सहमते कहीं भी बनाता था इसके टीचर बड़े फैन थे ऐसा बोल सकते जिंदगी है एक लतीफा दिल वालों का दिल खलीफा मारे मौके पे चौका ये तफरी करे खुल के जीने का सलीका हमसे सीखो ये तरीका पल में सदियों की हम मौज तगड़ी करे आओ तुम भी ले लो मजा आओ तुम भी ले लो मजा वरना दूर खड़े बस तमाशा देखना नहीं नहीं रुको मैंने तो घमंडी था यार आपका नीचे मैं क्या करूँ एक मिनट प्लीज़ कट कर दो फेसबुक पे बात करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें मिलना चाहिए फाइनली हम एक हो गए
बस दैट्स इट। और कुछ तो फिर ठीक है नेचर ये भी बताओ, नशे नहीं करते, चिट्टा यूज नहीं करते, सब कुछ बताओ क्या है। जिंदगी है एक लतीफा, दिल वालों का दिल खलीफा, मारे मौके पे चौका ये तफरी करे।